देखिए बुधवार को 50-50 में 9 बड़ी खबरें। लालू यादव ने नीतीश कुमार को दी बधाई। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजद प्रमुख लालू यादव ने नीतीश कुमार को बधाई दी। नीतीश कुमार ने लालू यादव से फोन पर बातचीत की। इस दौरान लालू यादव ने नीतीश कुमार के फैसले को सराहा। नीतीश कुमार ने लालू के साथ मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से अभी दिल्ली में है। रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। आज शाम 5 बजे होगी नीतीश तेजस्वी सरकार की पहली बैठक। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्य सचिवालय में नई सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। ये नीतीश तेजस्वी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। रुख करते हैं तीसरी खबर की ओर। कम से कम एक तिहाई मंत्रियों का शपथ होना चाहिए। मांझी ने कहा, कम से कम एक तिहाई मंत्रियों का शपथ होना चाहिए। मंत्रिमंडल गठन और शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या को लेकर जीतनराम मांझी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मांझी ने कहा कि किसको मंत्रिमंडल में रखना है, कब रखना है, ये सब सीएम का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज नीतीश कुमार और तेजस्वी शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि आज पूरा नहीं, कम से कम एक तिहाई मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के बाद यहां पर खरमास होने वाला है, भादो आने वाला है। इस दौरान कोई नई बात या विशेष बात नहीं होती है। इस दृष्टिकोण से अगर फुल मंत्रिमंडल का विस्तार यदि न हो तो कम से कम 70-80% मंत्रिमंडल को बना लेना चाहिए। रुख करते हैं चौथी खबर की ओर। जीतनराम मांझी बोले, दलितों में भगवाकरण का प्रयास किया क्या। मांझी ने कहा कि आज सिर्फ हिंदू राष्ट्र और भगवाकरण की बात हो रही है, बीजेपी से अलग होने की ये भी वजह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम करती है। मांझी ने कहा कि दलितों में भी भगवाकरण का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी रोजगार के मामले में चुप है। मांझी ने कहा कि इफ्तार पार्टी से ही दोनों दल एक दूसरे के करीब आए। उन्होंने कहा कि उसी समय से हमें लगा कि हो सकता है कि भाजपा से संबंध विच्छेद हो। रुख करते हैं पांचवी खबर की ओर। ऐसा हो सकता है विभागों का संभावित बंटवारा। नई सरकार में सामान्य प्रशासन व गृह विभाग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पसंदीदा गृह विभाग आरजेडी अपने पास चाहता है। हालांकि पथ निर्माण विभाग व स्वास्थ्य सहित कई बड़े विभाग आरजेडी को दिए जा सकते हैं। रुख करते हैं छठे खबर की ओर। बिहार में 8वीं बार नीतीश कुमार सरकार। कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस की बड़ी एंट्री के आसार। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जबकि जदयू के 43 विधायक। इसके अलावा राजद के सदस्यों की संख्या 79 और सीपीआईएमएल के 12 विधायक हैं। रुख करते हैं सातवीं खबर की ओर। भाजपा नेता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश जी के साथ ही अच्छे नहीं है। अच्छा सिला दिया तूने हम लोगों के प्यार का, ये तो बड़ी गलत बात है। जब भी मिले कभी आभास नहीं हुआ कि वो छोड़कर जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में 40 सीट भाजपा जीतेगी। करते हैं आठवीं खबर की ओर। विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनते ही महागठबंधन की तरफ से विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सीएम की पलट नीति के खिलाफ आज भाजपा सड़क पर उतर गई है। रुख करते हैं नौवीं खबर की ओर। बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिंदगी भर के लिए नीति और नियत को फ्रिज में रख दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती दी कि अगर आप पीएम मटेरियल हैं तो आइए अकेले चुनाव लड़िए। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को अमरलता बता जो अपने दम पर खड़ा नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश पहले बिहार में अपनी लोकप्रियता साबित कर दे, फिर राष्ट्रीय स्तर की सोचे। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।